इंडिया। एक पक्ष को आपने सुना, किसान नेता क्या कह रहे हैं उनको आपने सुना, दूसरा पक्ष यानी सरकार का पक्ष वो क्या कह रहा है, अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते। किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान के तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते, हम सब शांति चाहते और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। तो बातचीत ही है जिससे सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। सरकार की मंशा एकदम साफ है, ये क्लैरिटी, क्योंकि चार दौर की बातचीत हुई है। सरकार के तीन तीन बड़े मंत्री किसान नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। पांच जो फसलें हैं उस पर एमएसपी गारंटी की बात भी हो गई, लेकिन किसान 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात करें तो इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। हमने आपको सरकार की बात सुनवा दी, सरकार की मंशा क्या है वो बता दिया। किसान नेता अड़े हुए हैं और 11 बजे कूच की बात वो कर रहे हैं। ग्राउंड में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे सहयोगी मानव यादव पल पल का अपडेट हमें वहां से दे रहे हैं। मानव, अब बात वही है कि 11 बजे तक का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी। बिल्कुल, देखिए करीब 9:10 पर यहाँ पर संबोधन शुरू हुआ था दोनों नेताओं का, जो कि करीब 9:25 तक चला। उसके बाद चौपाई पाठ यहाँ पर किया गया और किसान नेताओं ने साफ कहा कि जब तक हम चौपाई पाठ करते हैं, सरकार के नुमाइंदे हमसे बातचीत करने आते हैं, हम तक कोई संदेश पहुंचाते हैं, तो हम दिल्ली कूच को यहीं पर स्टैंड बाय कर देंगे। क्योंकि हमने देखा है, जब दूसरी बैठक हुई थी उसके बाद से चौथी बैठक तक यहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, ना ही किसानों की तरफ से कोई हिंसा की गई, ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई हिंसा की गई, तो बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर था चौथी बैठक तक। लेकिन चौथी बैठक के बाद जब किसानों ने यह कह दिया कि हम सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानते और 21 फरवरी जो कि आज का दिन है, 11 बजे हम यहां से दिल्ली कूच करेंगे, तो अब वो घड़ी आ चुकी है। उनको इंतजार है कि सरकार की तरफ से कोई मैसेज आए। जैसा कि अभी खबरें आ भी रही है कि अधिकारी लेवल बातचीत जरूर चल रही है, तो बहुत ही संभवतः ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से 11 बजे से पहले किसानों से बातचीत करने की अब एक तरीके से फिर से कोशिश की जाए। क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि तीन चीजें हैं जिन पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। एक है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी और एमएसपी जो तय हो वो C2+50% फॉर्मूले से हो। दूसरा, कर्ज माफी। उन्होंने कहा है कि बाकी जो मांगे हैं वो आती जाती रहेंगी, बातचीत उन पर चलती रहेगी, लेकिन ये तीन वो मांगे हैं जिन पर किसान एकदम डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम इस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपको तैयारी दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से किसान यहाँ पर पीपी किट्स पहन के घूम रहे हैं, अपने आप को कवर करके घूम रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि जब आंसू गैस छोड़ी जाए तो उससे कैसे खुद को बचाया जाए। तो यहाँ पर सारी तैयारी है, लोगों ने मास्क पहन रखे हैं और एक तरीके से चेहरे को ढका हुआ है जिससे कि आंसू गैस का प्रभाव उनके ऊपर ना हो, तो तैयारी कर ली गई है। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि कोई भी प्रहार इस ओर से पहले बिल्कुल, तो पुलिस के आला अधिकारी उनकी तरफ से डायरेक्शन दे दी गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत में बिगड़ना नहीं चाहिए। किसान अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 11 बजे दिल्ली कूच वो करेंगे, ये ऐलान उनकी तरफ से हो चुका है। अब चूंकि ये ऐलान हुआ है तो उसका असर ट्रैफिक पर कैसे पड़ता है, दिल्ली पर कैसे पड़ रहा है, जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर कैसा पड़ रहा है, दीपक बिष्ट हमें उसकी जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आज फिर से जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो दफ्तर जा रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। पंकज, देखिए बिल्कुल सुबह से ये दिक्कत दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लोगों को यहां पर उठानी पड़ रही है। और जो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, कई किलोमीटर तक ये लंबा जैम लगा हुआ है। इसके साथ ही सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सारे बॉर्डर का कमोबेश यही हाल है, क्योंकि सुबह लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं वो आप देखेंगे, यहाँ पर सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवार है। अगर किसान इस तरफ रुख करते हैं तो यहाँ से वो नहीं जा सकते और इसी वजह से यहाँ के ट्रैफिक को जब रोकना पड़ रहा है तो उसके बाद जो ट्रैफिक की स्थिति है वो यहाँ पर बहुत खतरनाक होती जा रही है। और इसीलिए कई कई घंटों से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लंबा जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स जो लगाए हैं वो बिल्कुल नेशनल हाईवे 9 पर भी लगाए गए हैं और सिंगल वाहन को निकलने की अनुमति देने के बाद ये ट्रैफिक जो है काफ़ी लंबा चला गया है। काफ़ी लंबे जैम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और दिल्ली के
सभी बॉर्डर पर इस वक्त यही हाल है, क्योंकि टिकरी सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरह की कमोबेश स्थिति है, क्योंकि लोग रोजाना जो समय होता है ऑफिस जाने का 9 से 10 बजे 11 बजे तक का, वो समय इस वक्त लोगों को यहाँ पर भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। पंकज मानव, चूंकि आप शंभू बॉर्डर पर है, जरा वहाँ का हाल बताइए, लगभग कितने ट्रैक्टर्स वहाँ पर है, कितने किसान वहाँ पर इस वक्त मौजूद है? देखिए पंकज, करीब 6 से 7 किलोमीटर का ये हिस्सा है, अंबाला से पटियाला की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो पूरा ब्लॉक है, उस पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जो लदी हुई हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ एम्बुलेंस दिखाई पड़ेंगी, कुछ खालसा एड की तरफ से है तो कुछ पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि हमने 13 फरवरी को देखा था कि किस तरीके से दोनों ओर से हिंसा हुई थी, तो उसमें किसान भी घायल हुए थे, जवान भी घायल हुए थे, तो उनके लिए यहाँ पर एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं। लेकिन ये पूरा रास्ता सबसे ज्यादा भीड़, अगर पिछले 9 दिन की बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ आज है, और इतनी भीड़ हम जब दिन में आंदोलन चलता है तो समय भी नहीं होती है, लेकिन आज क्योंकि दिल्ली कूच करना है तो सबसे ज्यादा भीड़ हम आज यहाँ पर देख पा रहे हैं। सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पैक कर दी गई है, क्योंकि सुबह ही ये कह दिया गया कि आपको पानी के टैंकर बॉर्डर के पास रखने हैं, क्योंकि पानी एक तरीके से बचाव होता है, आंसू गैस से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो सारे ट्रैक्टर ट्रॉली को पैक कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया है आपको दिल्ली कूच करना है तो ऐसे में अपना सारा सामान बांध लीजिए। तो किसान यहाँ पर तैयार है, उनको कॉल का इंतजार है, लेकिन किसान नेताओं ने यह भी कह दिया है कि पहले आप लोग नहीं जाएंगे, सबसे आगे किसान नेता चलेंगे, कोई भी वॉलंटियर आगे नहीं बढ़ेगा। पंकज बिल्कुल, और पिछले 9 दिनों से हम देख रहे थे मानव, क्या हर रोज सुबह 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यानी किसान नेता डल्लेवाल हो या पंडेरो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज सुबह 7:30 बजे ही हो गई। दिन भर क्या एक्टिविटी रहती है, क्या करते हैं जो किसान यहाँ जमा है? देखिए कम्युनिकेशन चाहे वो सरकार के साथ हो, चाहे किसान नेताओं के साथ हो, क्योंकि इसमें बेशक संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का ये आंदोलन भले ही हो, लेकिन तमाम और दूसरे संगठन हैं जिनके नुमाइंदे केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो दिन भर अलग अलग मोर्चों पर बातचीत होती है, सुबह 10 बजे के आसपास, रात के 7 बजे के आसपास यहाँ पर बकायदा कम्युनिकेट किया जाता है मीडिया के जरिए सरकार को, लेकिन कल रात को प्रेस से बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि कल रात को डीजीपी, माफ कीजिएगा, आपके एडीजी विजिलेंस जो है, इंटेलिजेंस जो है, उनके साथ जसकरण सिंह के साथ बैठक हुई थी किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की और डलेवाल की, तो उसमें इन लोग को बताया गया कि इंटेलिजेंस से क्या जानकारी है और आपको ये मशीनें यहाँ से हटानी है, तो तमाम चीजें पुलिस की जरिए रखी गई थी, तो रात को मीडिया से बातचीत नहीं हो पाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उन्होंने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है कि दिल्ली कूच करना है, और दिल्ली कूच के कॉल से पहले यानी 11 बजे से पहले अगर सरकार बातचीत करती है तो हम अपने इस प्रोटेस्ट को स्टैंड बाई पर कर देंगे। पंकज मानव, जरा एक तो कैमरा घुमाते रहिए, तस्वीर भी वहां की दिखाइए, ताजा हाल क्या है वो जरा दिखाइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि आपने किसान नेताओं से बात की है, चाहे वो पंडेर हो या फिर वो डल्लेवाल हो, सरकार का रुख बताया है, चुनाव है, इलेक्शंस है, ऐसे में कानून बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सरकार की तरफ से 5 फसलों के लिए एक प्रस्ताव भी रखा गया है, 23 फसलों की ये मांग कर रहे हैं, उस पर एमएसपी की बहुत मुश्किल है, कैसे टैक्स पेयर्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, और बजट जो देश का है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर क्या जवाब मिलता है उनकी तरफ से? बिल्कुल पंकज, अपने दर्शकों को शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ समझाएंगे कि जब बैठकों में बातचीत क्या हुई सरकार की किसानों के साथ। देखिए तस्वीरें देखते जाइए और समझिए कि जब सरकार ने कहा कि 5 फसलों पर आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, तो किसानों की तरफ से ये कहा गया कि सरकार के मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि 5 फसलों पर सरकार का खर्च 1,35,000 करोड़ रुपए आएगा, तो किसानों ने कहा कि हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप 1,75,000 करोड़ में तो सभी फसलों पर एमएसपी दे सकते हैं, तो सरकार जितना खर्च 5 फसलों पर कर रही है उतना ही खर्च बाकी सभी फसलों पर एमएसपी देकर करे, तो ये आकलन किसान नेताओं का है। अब दोनों ओर से बातचीत हुई थी और एक आरोप सरकार पर किसान नेताओं की तरफ से ये भी लगाया गया कि मंत्री अंदर कुछ और कह रहे थे, जब मीडिया में उन्होंने अपनी बात रखी तो उस समय वो कुछ और कह रहे थे, तो एक तरीके से ये आरोप भी उन्होंने मिसकम्युनिकेशन का सरकार के ऊपर लगाया, क्योंकि हमने देखा था रात को पीयूष गोयल आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों की भलाई चाहती है और किसानों के लिए ही एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें कि पंजाब में जो खास तौर से गेहूं और धान की बुआई होती है और उसका असर जमीन पर पड़ता है, जमीन का जो आपका वाटर लेवल है वो भी नीचे चला जाता है, अगर आप दूसरी फसलों को प्रायोरिटी देंगे, उसको उपयोग में लाएंगे, उनको बोएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भूजल है वो भी और उसकी ऊपर उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। पंकज